प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यादवंद्रा गार्डन में प्राचीन धरोहर को संजोए रखे हुए पर्यटन विभाग ने पुराने सामान की प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया हुआ था, जिसमें पर्यटकों को दिखाने के लिए तांबे और पीतल के पुराने बर्तनों को दिखाया। यहाँ की प्रदर्शनी में हुक्का देखने लायक था। वहीं आटा चक्की, लस्सी मंदानी, कटोरियाँ, प्रांत, गड़वी, अन्य रसोई घर के सामान की सजावट बेहद पसंद आई। टूरिज्म फेस्टिवल जो किया है, ये 3 दिन का मेला है। इसमें पुराना सामान इकट्ठा हुआ है और एग्जीबिशन के तौर पर देखने का, और इसमें चिमचा है, करछी है, ऐसे पुराने सामान रखा है। हरियाणा पर्यटन विभाग के वृंदा प्रसाद ने कहा कि यहाँ पर्यटन विभाग ने पुराने सामान को प्रदर्शित किया हुआ है। पुरानी धरोहर को संजोए हुए इन दिनों हेरिटेज फेस्टिवल के दौरान इन्हें पर्यटकों के लिए दिखाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इन पीतल तांबे से बनी रसोई घर के सामान को देख सके, ताकि यहाँ की यादें ताज़ा हो सके। उन्होंने कहा कि पुरानी विरासत को एकत्रित कर इस परम्परा को कायम रखा जा सके। जो पुराने बुजुर्गों का सामान था वो रखा हुआ है, जो देखने के लिए लोग आते हैं वो अपना देखते हैं कि अच्छा लगता है उनको, पुरानी परंपरा है ये, उसको कायम रखने के लिए ये सामान रखा हुआ है, इसलिए कि देखें लोग, अच्छा लगे, आगे इतिहास इसी पे कायम रहे। मेरा नाम गुलेफाम जिन है, मैं उसी का गुलाम हूँ जिसके हाथ में चिराग होता है। इधर देखता हूँ सोना हो जाता है, इधर देखता हूँ चांदी हो जाती है, थूक देता हूँ खाक हो जाता है और निकल जाऊँ पानी बन जाता है मेरे यहाँ।